we will discuss about real numbers and their decimal expansions. As you know about real numbers, that all the numbers that exist are known as real number. Now we will discuss their decimal expansion. Let us take an example. 10 divided by 3, 7 divided by 8, 1 divided by 7. Okay? Firstly, we divide them. Okay? As you know how to divide, so 10 divided by 3, जब हम 10 को 3 से divide करते हैं, तो आप एक चीज़ notice करते जा रहे हो, कि 1-1 repeat हो रहा है remainder. ठीक है? और quotient क्या आ रहा है हमारा? 3.33333 and so on. ठीक है? So next is when we divide 7 by 8, its remainder is 0 and quotient is 0.875. And when we divide 1 by 7, as you see, ये खत्म नहीं हो रहा, बार-बार remainder आ रहा है, ठीक है? And the quotient is 0.142857, ठीक है? Now, what will you notice in these three examples? First one is, या तो remainder हमारे पास 0 आ रहा है, या फिर रिपीट हो रहा है. अब देखो यहाँ पे बार बार रिमाइंडर 1-1 रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे यहाँ से 1 स्टार्ट किया था और यहाँ से फिर 1 रिपीट होना शुरू हो गया. ठीक है? इन दिस वे वी गेट रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर. एज यू सी इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज 0.875. इट मीन्स the decimal expansion is terminate, means it ends after finite number of steps. मतलब ये कुछ steps करने के बाद हमारे पास terminating आ रही है. ठीक है? remainder 0 आ गया ना, तो हमारे पास decimal expansion कैसी आ रही है? Terminate. But in these two examples you notice that remainder repeat after certain stages. मीन्स रिमाइंडर जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है. अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 10-9 1, फिर से 0 ली, फिर 10-9 1. तो इस तरह से जो रिमाइंडर है हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है. सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन रिमाइंडर आल्सो रिपीट, यहाँ से 1 से स्टार्ट किया था तो दोबारा फिर 1 आ गया. ठीक है? सो दैट्स वाई हेयर डेसिमल एक्सपेंशन इज non-terminating repeating. ठीक है? मतलब decimal expansion जो है वो non-terminate है, कहीं पे ख़त्म नहीं हो रही और repeating है कि बार बार repeat हो रही है. When we divide 10 by 3, its answer is 3.3333 and so on. We can write it 3.3 bar. It means कि जो 3 है वो बार बार repeat हो रहा है. Clear? Next is show that 3.142678 is a rational number. We have to show that this number is a rational or not. So firstly we can write 3.142678 as, remove the point in this way. So here value of p is this and q, this one, both are integers and q is not equal to 0. So that's why this is a rational number. Next is show that 0.333 and so on can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. अब इस क्वेश्चन में क्या शो करना है कि हम इसको रैशनल नंबर में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते. इसको शो करना है कि हम इसको रैशनल नंबर्स में लिख सकते हैं. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन. ठीक है? हम इसको, इस नंबर को एक्स की इक्वल ले लेंगे. ठीक है? अब आपने क्या देखना है, कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, मतलब कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. ओनली वन डिजिट इज देयर ना, थ्री है ना जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वन डिजिट ही है.
क्या करेंगे, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने जीरोस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मीन्स अगर वन डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। सपोज अगर हमारे पास होता 1.27, टू डिजिट्स के ऊपर बार होती, ठीक है, तो टू डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर थ्री डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? सो हेयर ओनली वन डिजिट इज रिपीटेड, सो वी मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। सो 10 इंटू एक्स, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.333 एंड सो। नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई 10 विद दिस, इट्स आंसर इज 3.333 एंड सो ऑन। क्लियर? सो एक पॉइंट शिफ्ट कर देना होता है। मल्टीप्लाई पता है ना कैसे करनी है, एक पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 100 से कर रहे हो तो 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे, 1000 से कर रहे हो तो 3 पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर? सो टेक इट एज अ वन इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ सेकेंड माइनस वन, मतलब सेकेंड इक्वेशन में से वन फर्स्ट इक्वेशन हम क्या कर देंगे, माइनस 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.333 अप टू सोन, माइनस 0.33333 अप टू सो। सो 10x माइनस 1x आंसर इज 9x इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करना है, देखो ध्यान से देखना है इसको कैसे माइनस करना है, अप टू सोन चलता जा रहा है, 0.3333 अप टू सोन। सो ये देखो यहाँ पे सभी पे 3 3 हैं तो ये सारे कैंसिल हो गए, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, अगेन 0, 3 माइनस 0 आंसर इज 3। सो आर आंसर इज 3। नाउ टेक 9 ऑन राइट साइड, इट बिकम्स डिवाइड, सो डिवाइडेड 3 1s are 3, 3 3s are 9, सो एक्स इज इक्वल टू 1/3। सो हाउ कैन वी राइट दिस, 0.3333 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1/3। क्लियर? लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, शो दैट 0.2353535 एंड सो ऑन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। नाउ एज यू सी इन दिस क्वेश्चन, 3 5 बोथ नंबर्स आर रिपीटिंग, ठीक है, 3 एंड 5 रिपीट हो रहे हैं। सो लेट अस सॉल्व, लेट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक दिस नंबर इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0.2353535 एंड सो ऑन। ओके, लेट अस टेक इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी मल्टीप्लाई दिस विथ 100, बिकॉज नाउ बार कितने डिजिट्स के ऊपर है, टू डिजिट्स के ऊपर है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। सो मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स, व्हेन वी मल्टीप्लाई इट्स आंसर इज 100x इज इक्वल टू 0.2353535 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 100। सो द आंसर इज 100x इज इक्वल टू 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे, 2 3.5 3 5 3 5 3 5 अप टू सो ऑन। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ व्हाट विल डू, वी डू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सेकेंड माइनस 1, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे, तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 23.5353535 माइनस 0.2353535
5. So now we subtract it. 100 minus x, answer is 99x. Now how to subtract these two numbers? Let us check. 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, and so on. And 0.23535 and so on. As you see, from this all the digits are same, and when we subtract its answer is 0. So ye to cancel ho gaya, ye to 0 ban gaya. Now 5 minus 2 3 point 23 minus 0 23. So the answer is 23.3. Clear? Now 99x is equal to, we can write it as 233 divided by 10. So take 99 on right side, we divide it, the answer is 233 divided by 990. Clear? Now, here you see two types of decimal expansion. In this decimal expansion, the answer is 3.3333 and so on. ठीक है, इसमें जो digits हैं वो बार बार repeat हो रहे हैं. तो इसे हम क्या कहते हैं? Non-terminating recurring decimal expansion. But in this, you notice one thing कि repeat नहीं हो रहे digits. ठीक है, पहले 10110110, फिर 4 times 10, तो सेम नहीं आ रहा. ठीक है, तो ये जिन डेसिमल एक्सपेंशंस जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं और जिनमें रिपीट नहीं होते, ठीक है, दिस इज़ आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज़ आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग. बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें रिपीटिंग है और इसमें नॉन रिपीटिंग है. ठीक है, तो जो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं वो होती है रैशनल नंबर की, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है वो किसकी होती है? इरेशनल नंबर की. तो ये डेसिमल एक्सपेंशन किस नंबर की है? इरेशनल नंबर की. रिमेंबर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1 बाय 7 एंड 2 बाय 7. वी हैव टू फाइंड इरेशनल नंबर. So, as you know, 1 by 7 is equal to 0.142857. And what is the meaning of bar? Means this is a non-terminating and repeating decimal expansion. Okay? And 2 by 7 is equal to 0.285714. Now we find irrational number. As we know, irrational number is non-terminating and non-reoccurring. So, first of all, remember that the number between these two numbers that we take, okay, 0.1, take any example, 5, 0, 1, 5, 0, 0, 1, 5, 0, 0, 0, 1, 5, 0, 0, 0, 0. In this way, we can find infinite irrational numbers between two rational numbers. Next is, check whether 7 root 5, 7 upon root 5, root 2 plus 21, π minus 2, these numbers are irrational or not. First of all, we check 7 root 5. As you know, root 5 is irrational number. When we multiply any number with irrational number, the answer is irrational. So that's why this is a irrational number. Next is 7 upon root 5. Same, when we divide a number with irrational number, then the answer is also irrational. So again, this number is irrational number. Next is root 2 plus 21. When we add any number with irrational number, then answer is also irrational. So again, this number is also irrational. Next is π minus 2. Now tell me, what is pi, rational or irrational? This is irrational number.
value of pi is not equal to 22/7. It's जो पाई की 22/7 वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है. एग्जैक्ट वैल्यू पाई की 22/7 नहीं है, वो उसके अप्रॉक्सीमेट है, मतलब उसके बहुत नज़दीक है, इसलिए हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं. बट पाई इज अ इरेशनल नंबर. रिमेंबर दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर. एज व्हेन यू सॉल्व 22/7 ना, इट्स आंसर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिअकरिंग. रिमेंबर दैट. सो दैट्स वाई पाई इज इरेशनल नंबर. सो इरेशनल नंबर माइनस नंबर दैट इज इक्वल टू इरेशनल. सो दैट्स वाई पाई माइनस टू इज ऑल्सो इरेशनल नंबर. नेक्स्ट इज एड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3.√3. So we have to add these two numbers. Let us add 2√2 plus 5√3 plus √2 minus 3√3. ठीक है, अब क्या करेंगे, जिनके रूट सेम है उनको इकट्ठा लिख लोगे. ठीक है, रूट टू वाले अलग से लिख लो, रूट थ्री वाले अलग लिख लो. सो 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3. नाउ अब यहाँ पे रूट टू के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है. 2 प्लस 1 3√2. रूट टू एज इट इज रखना है. जैसे हम ऐड करते हैं ना 2x प्लस एक्स तो कितना होता है 3x ना. सिमिलरली इन दिस वे वी हैव टू ऐड 2 प्लस 1 3√2 प्लस 5√3 माइनस 3√3 2√3. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5. अब हमने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई. सो 6√5 मल्टीप्लाई बाई 2√5. इसमें आपने क्या करना है, पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है. 6 2s are 12 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई बाई √5. अब आपको पता है √5 × √5 कितना होता है, 5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 5. सो 12 5s are 60. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 8√15 बाय 2√3. वी हैव टू डिवाइड दिस टू. सो 8√15 अपॉन 2√3 इज इक्वल टू 2 4s are 8, 4√15 अपॉन √3. नाउ वी कैन राइट √15 एज 5 मल्टीप्लाई बाय 3. एंड यू नो हाउ कैन वी राइट दिस, रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी. ये आइडेंटिटी आपने की है ना 8th क्लास में, वही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे. सो 4 × √5 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन √3. The root 3 cancel with root 3, answer is 4√5. Clear?